शकम सितंबर 1965, वक्त शाम 5:40। चार इंडियन वैम्पायर फाइटर जहाज छमजोड़िया के इलाके में पाकिस्तानी जमीनी फौज पर हमला करते हैं। स्क्वाड्रन लीडर सरफराज रफीकी को इतला दी जाती है और ऑर्डर किया जाता है कि दुश्मन के इन हमला आवर जहाजों को तबाह कर दिया जाए। बस स्क्वाड्रन लीडर सरफराज रफीकी और फ्लाइट लेफ्टिनेंट इम्तियाज भट्टी दो सेबर F-86 फाइटर जहाजों से इन जहाजों का पीछा करते हैं और इंडिया के इन चार वैम्पायर फाइटर जहाजों को इबरतनाक अंजाम से दोचार करते हैं। आइए इस दिलचस्प एयर कॉम्बैट के बारे में स्क्वाड्रन लीडर सरफराज रफीक शहीद के साथी एयर कमोडोर रिटायर्ड इम्तियाज भट्टी, जो उस वक्त फ्लाइट लेफ्टिनेंट थे, इस एयर कॉम्बैट का आंखों देखा हाल एनिमेशन की मदद से देखते और सुनते हैं। 1965 यकम सितंबर को मेरा स्क्वाड्रन एयर डिफेंस अलर्ट पे था। हमारी ड्यूटी सुबह 4 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक थी। रफीकी साहब के साथ मेरा पुराना कुछ नाता इस तरह से था कि जब मुझे कमीशन मिला और मैं जेट कन्वर्शन करके फाइटर स्क्वाड्रन में गया तो रफीकी साहब वहाँ पे फ्लाइट कमांडर थे। मेरी सारी फाइटर फ्लाइंग की तरबियत उन्हीं के हाथों हुई थी। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे नंबर 1 पोजीशन पर ही रहने दें, मैं शाम तक ड्यूटी कर लूँगा। तो उन्होंने मुझे कहा कि जितना तुम्हें फ्लाइंग का शौक़ है उतना ही मेरे स्क्वाड्रन के पायलट्स को भी है, लेकिन उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट इस तरह मानी कि तुम नंबर 1 रहो और अपने साथ नंबर 2 ले जाने के लिए मेरे स्क्वाड्रन का कोई यंग ऑफिसर रख लो, जो कि हमने किया। और रफीकी साहब ख़ुद एयर डिफेंस अलर्ट हॉटलाइन के करीब जाके बैठ गए। शाम के 5 बजे के करीब हॉटलाइन पे उनको मैसेज आया, छमजोड़िया में इंडियन एयरफोर्स हमारी फ़ौज पे बमबारी कर रही है। रफीकी साहब ने मेरी तरफ़ देखा और कहने लगे कि चलो पुराने वक्त की याद में मैं लीडर होऊंगा, तुम नंबर 2 होगे और ये मिशन करते हैं। हमें ब्रीफिंग की ज़रूरत नहीं थी, हम दोनों ने टेक ऑफ किया, रफीकी साहब ने बतौर लीडर और मैं उनके नंबर 2 की हैसियत से। टेक ऑफ करने के बाद मैं उनके लेफ़्ट साइड पे बैटल फॉर्मेशन में आ गया। रेडार कंट्रोलर ने उन्हें 20,000 फुट पर सियालकोट की सिमत परवाज करने को कहा। इम्तियाज भट्टी रफीक साहब से 30,000 फुट के फासले पर बैटल फॉर्मेशन में थी। जो ही उन्होंने सियालकोट क्रॉस किया, इम्तियाज भट्टी को फिजा में एक नुक्ता सा नजर आया। करीब जाकर उन्हें पता चला कि ये दुश्मन के चार वैम्पायर लड़ाका तैयारे हैं, जो कि 2-2 के फॉर्मेशन में उनकी सिमत परवाज कर रहे थे। मैंने रेडियो पे रफीकी साहब को बताया कि बोगी, जो कि हम दुश्मन के जहाज़ के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, नीचे है। उन्होंने फौरन कांटेक्ट कहा और उसकी तरफ गोता लगाया। स्क्वाड्रन लीडर रफीकी साहब ने एक डाइव किया और दुश्मन की पहली फॉर्मेशन के 2 जहाज़ों को टूट पड़े। इम्तियाज भट्टी ने भी उनके साथ रहने के लिए जूम किया ताकि उनके जहाज से आगे न निकल जाए। लीडर के जहाज की टेल क्लियर करने के लिए जब इम्तियाज भट्टी ने लेफ्ट देखा तो उन्हें दुश्मन के दूसरी फॉर्मेशन के बाकी 2 वैम्पायर जहाज लीडर के पीछे जाते हुए दिखाई दिए। इसी असना में रफीकी साहब ने आनन फानन दुश्मन के एक वैम्पायर जहाज को अपनी गन्स के जरिए निशाना बनाया और उसको रेजा रेजा कर दिया। इस दौरान इम्तियाज भट्टी दुश्मन के पिछली फॉर्मेशन के 2 जहाजों को नजर में रखे हुए थे, क्योंकि वो कट इन करके फासला करीब करने की कोशिश कर रहे थे, जो कि लीडर के लिए खतरनाक हो सकता था। इसीलिए इम्तियाज भट्टी आनन फानन अपने जहाज को टर्न करके उन जहाजों के पीछे आ गए। अपने जहाज की गन साइड दुश्मन की फॉर्मेशन के एक जहाज पर सेट की और ट्रिगर पर उंगली रख ली कि जो ही ये कोई हरकत करे तो उसे शूट करे। इस दौरान में उन्होंने रफीकी साहब को ब्रेक लेफ्ट करते हुए देखा, क्योंकि वो अपने सामने की फॉर्मेशन के दूसरे जहाज को भी शूट कर चुके थे और उनकी आंखों के सामने स्क्वाड्रन लीडर सरफराज तबाह करना दुश्मन के जहाज रेजा रेजा हो चुका था।
رفیقی صاحب دشمن کے ان جہازوں کو تباہ کرنے کے بعد رائٹ ٹرن کر کے امتیاز بھٹی کے جہاز کے پیچھے آ گئے۔ ٹیل کلیئر کرتے ہوئے کہا کہ تمہارے پیچھے دشمن کا کوئی جہاز نہیں ہے، تم ان دونوں ویمپائرز کو شوٹ کر دو جو تمہارے سامنے ہیں۔ امتیاز بھٹی نے اپنے جہاز کی گن سائٹ دشمن کے آگے والے جہاز سے شفٹ کر کے پیچھے والے ویمپائر پر سیٹ کی اور فائرنگ شروع کر دی۔ اس کمبیٹ کے دوران ہی وہ کافی نیچی ہائٹ پر آ چکے تھے۔ انہوں نے ایک آدھا چکر اور لگایا تاکہ معلوم کر سکیں کہ دشمن کا مزید کوئی جہاز ان کے علاقے میں موجود تو نہیں، مگر انہیں دور دور تک دشمن کا کوئی اور جہاز نظر نہیں آیا، اس لیے وہ واپس اپنے بیس کی طرف پرواز کرنے لگے۔ اسکواڈن لیڈر سرفراز رفیقی اور فلائٹ لیفٹیننٹ امتیاز بھٹی نے اپنی پیشہ وارانہ صلاحیتوں اور دلیرانہ حکمت عملی سے انڈیا کے چار ویمپائر جہازوں کو تباہ کیا۔ اس ایئر کامبیٹ کے بعد انڈین فضائیہ اس قدر خوفزدہ ہو گئی کہ انہوں نے باقی ماندہ 120 ویمپائر جہازوں کو مستقل طور پر گراؤنڈ کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور ویمپائر جہاز 1965 کی جنگ میں دوبارہ استعمال نہ ہو سکے۔ پاکستان پائندہ باد۔